जय कुष्मांडा जग सुखदाती, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकुंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन की मैं प्यासी, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, तुम मेरे भंडारे भर दो। तेरी दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरी दर शीश झुकाए। जय माँ कुष्मांडा माता, बोलो जयकारा महामाई दा। बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति। और तीसरा शब्द है अंडा, अर्थात अंडा। इस प्रकार तीन शब्दों से मिले हुए शब्द कुष्मांडा का अर्थ है एक उष्मा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की आठ भुजाएं हैं। इनके सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूरण कलश, चक्र और गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती हैं, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माँ अपने भक्तों द्वारा प्रतिदिन पूजा किए जाने से उन्हें समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं। वह अपने भक्तों की सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर देती हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि हैं। अनाहत चक्र योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उन्हें स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। कुष्मांडा माँ के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा है, आइए शुरू करते हैं। ओम देवी कुष्मांड्याय नमः। ओम देवी कुष्मांड्याय नमः। ऐसा कहा जाता है जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा माँ है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास कर सकने की क्षमता और किसी में नहीं है। वह शक्ति और वह क्षमता केवल कुष्मांडा माता में है। माँ कुष्मांडा ने पहले तीन प्राणियों की रचना की। यह तीन सर्वोच्च देवियाँ थी। अपनी बाई आँख से उन्होंने एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और अपनी माथे वाली आँख से उन्होंने एक और रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आँख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के पांच सिर और 10 हाथ थे, उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का एक सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर
और एक नारी ने जन्म लिया। नर के चार सिर और चार हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका एक सिर और चार हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का एक सिर और चार हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया, और महिला के एक सिर और चार हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा। उन्होंने तब शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों तथा देवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। आइए अब जानते हैं कुष्मांडा माँ की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा भी अवश्य करें। फिर माँ को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ को हलवे और दही का भोग अर्पित करें। पूजा करते समय कुष्मांडा माँ के मंत्र, स्तुति और आरती गाएं। आरती के पश्चात प्रसाद को उपस्थित गणों में वितरित करें। आइए अब करते हैं कुष्मांडा माँ की प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुष्मांडा माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा माँ का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम भास्वर भानुनिभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलू चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धराम पटांबर परिधानाम कमनीया मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना चारु चिबुकाम कांत कपोलाम तुगम कुचाम कोमलांगी स्मेर मुखी श्रीकंठी निम्न नाभी नितंबनीम। माँ कुष्मांडा का स्रोत। दुर्गति नाशिनी त्वही दरिद्रादि विनाशनीम जयंदा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् जगत माता जगत कत्री जगदाधार रूपणीम् चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् त्रैलोक्य सुंदरी त्वही दुख शोक निवारिणीम् परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। कुष्मांडा माँ का कवच। हंस रैमि शिर पातु कुष्मांडे भवनाशिनीम हसल करी नेत्रेच हसरोश्च ललाटकम कोमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रेव कु बीजम सर्वदावतु। कुष्मांडा माँ की आरती। चौथा जब नवरात्र हो कुष्मांडा माँ को ध्याते जिसने रचा ब्रह्मांड यह उनका है पूजन यह आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप इस शक्ति के तेज से
कहीं छांव कहीं धूप, कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रिझती सात्विक करे विचार, क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार, सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत में आई हूँ तू ही राह दिखाए, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, कृपा कर दो माँ। जय कुष्मांडा मैया, जय कुष्मांडा मैया, जयकारा महामाईदा, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो माता का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।